सुपौल में विद्युत प्रभावित हाई टेंशन तार की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई। घटना जिले के कर्णपुर पंचायत के महेशपुर गांव की है, जहां मृतक मोहम्मद हलीम अपने घर के पास बांस काट के कंधे पर लेके घर आ रहा था, तभी सड़क किनारे विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आ गया। ग्रामीण की शिकायत है कि हाई टेंशन तार अपनी निर्धारित ऊंचाई से काफी नीचे लटक रहा है, जिसके कारण आज ये घटना घटी है। वहीं मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग भी की है। ये घटना हुई है क्योंकि 11,000 तार जो है 6 फीट पर लटका हुआ है, और बिजली विभाग को जो है इस आशय का आवेदन पूर्व में दिया गया, जिसका रिसीडिंग भी रखे हुए है। और ये मोहम्मद हलीम जो हमारे रिश्तेदार है, आज वो 6 फीट पर तार था, वो बांस काट करके आ रहा था, उसमें सट गया और उसके चलते उसका दुर्घटना हो गया और स्पॉट डेथ ही हो गया, मर गया। और ये तमाम दोस्त बिजली विभाग का है, बिजली विभाग के कारण आज ये नौजवान का मौत हुआ। इसके अलावा दूसरा भी घटना हुई है, तो भैंस भी मरी है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं बिजली मुआवजा मिलना चाहिए, बिजली विभाग को इसका दंड मिलना चाहिए। बिजली विभाग पूरा दोषी है, उनका चार बच्ची है अभी शादी करने के लिए, 2 बच्चा लड़का है शादी करने के लिए। ये तमाम क्षतिपूर्ति बिजली विभाग को देना चाहिए, अन्यथा हम लोग बिजली विभाग के ऊपर कार्रवाई करेंगे, रोड जाम करेंगे, विरोध करेंगे। हाँ, विरोध करेंगे और रोड जाम भी करेंगे।